ये देख रहे हैं यार, ये लड़कियां मार खा रही हैं, अब लड़की खड़ी भी खुद देती हैं और मार खाती है। ये एक लड़के के पेट वगैरह लगाया जा रहा है। तो अस्सलाम वालेकुम, हम इस वक्त मौजूद हैं अफ्रीका के जंगलों में, यानी इथियोपिया के अंदर। ये देखिए हमारे पीछे गाड़ी खड़ी है, हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं ये जंगल के अंदर। यहाँ पे गाड़ी खड़ी करके आगे पैदल रास्ता है, थोड़ा चल के जाना पड़ेगा। वहाँ पे हमें कोई अनोखी रस्म यहाँ के कबाइल की वो आपको दिखाएंगे। जहाँ देखें ये सारा जंगल है साइडों में मेरे, और यहाँ पे हरन वगैरह इस तरह के जानवर तो हमने देखे हैं, बाकी शेर चीता वगैरह तो नहीं देखे। ये सारा यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ेगा, फिर आगे हम पहुँचेंगे उस मुकाम पे जहाँ पे बुल जंपिंग होगी, और लड़कियों के साथ भी वहाँ पे कोई ज़्यादती, मतलब उनको मारा जाता है लड़कियों को, कि वो अपने घर वालों से कितना प्यार करती हैं ये चेक करने के लिए। लड़की के घर वाले भी अपनी लड़की बेटी को मारते हैं छड़ियों के साथ, इतना ज़ोर के मारते हैं कि उनके जिस्म पे ज़ख्म पड़ जाते हैं। हमने पिछली वीडियो के अंदर वो दिखाए भी हैं आपको। हाय बेलिया अदनान, ये अपन अगे ले जाकर फड़ लैन तो की बनेगा अपना? ले लो जड़ी जाएगी है, बस घर जान दो है। अच्छा हम जा तो रहे हैं, डर भी रहे हैं, और यहाँ पे नेट नुट भी नहीं चल रहा बिल्कुल भी। हमने कोशिश की थी कि अपनी लाइव लोकेशन सेंड कर दी जाए किसी को, ताकि वो हमें बाद में ट्रेस तो कर सके कम से कम, अगर कोई ना कोई ये कोई हमारे साथ कुछ करते हैं तो। बाकी वो भी सेंड नहीं हो सकी, बाकी अल्लाह खैर करेगा, बल्ला की आस पे जा रहे हैं। वैसे आपको परेशानी कम हो गई है क्योंकि यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए रुके हैं, 5 से 10 मिनट के लिए। तो हमारे पीछे बहुत सारे जो टूर गाइड्स हैं वो जो बहुत सारे लोगों को लेके आ गए हैं, तो हमारे आगे भी इस टाइम जा रहे हैं लोग और हमारे पीछे भी आ रहे हैं। ये हम पहुंच तो गए हैं, ये देख लें यहाँ पे औरतें इकट्ठी हुई बैठी हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी बहुत से लोग इकट्ठे हुए बैठे हैं। देखते हैं ये है क्या यहाँ पे, ये देखिए ये औरतों में जो टांगों पे घुंघरू बांधे हुए हैं बहुत बहुत, ये देखो यहाँ पे कुछ सर्दी होने वाली है। ये देख ये चेक करें, ये यहाँ का कबीला है, देख लें ये ना, ये छड़ी पकड़ी हुई है औरत ने, ये छड़ियों से मारा गया है इसे, और ये इसके जिस्म पे ये ज़ख्म है। इसी तरह इन औरतों को, ये सभी औरतों को ये देख लें पीछे नज़र आ रहे होंगे ज़ख्म इनके। ओहो बड़ा ज़ुल्म है यार, हम तो पूरी वीडियो नहीं बनाएंगे इन चीज़ों की क्योंकि एक कम्यूनिटी आ जाएगी। देखें ये सारी औरतें ही बैठी हैं इस तरफ, बाकी इनके मर्द हजरात जो हैं वो भी आने वाले हैं, वो जो है बुल जंपिंग करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये यहाँ पे लेटे हुए मर्द हजरात, इनके ये हमर ट्राइब के लोग हैं ये सारे, ये देखें इस तरफ भी मर्द हजरात इधर लेटे हुए हैं, और औरतें जो दूसरी साइड हम दिखा रहे थे वो उस तरफ औरतें हैं। ये इन्होंने को पंख लगाए हुए हैं सरों पे, ये देख लें। ओ आगे भी लेटे हुए हैं कुछ, ये देखें देख लें ये लोग बैठे हैं। ये जंपर का अंकल बता रहे हैं protecting to keep the feather, it's the long years old thing. ye bhaijan dekhe jo singh hota hai na gaay ka, ye wo hai aur ye logo ne apni father ke liye rakha hua hai. this is a bullet, ye check kare. yeah this is a bullet, bullet ये okay. वो देखें आगे के 47 भी पड़ी है यार, ये बहुत खतरनाक लोग हैं, इनके पास गन्ने भी मौजूद है वो सामने, ये देखें। ये हर बंदे के पास यहाँ पे कुल्हाड़ा छुरे और ये जो गन्ने और गोलियाँ सारा कुछ मौजूद है।
देखें ये इस तरफ औरतें आ रही हैं, हमर ट्राइब की ही हैं ये भी, और ये गीत गाते हुए आ रही हैं। तो ये देख लें, हम दो तीन दिन से ये ढूंढ रहे थे कि कहीं ना कहीं, क्योंकि ये हर कबीले के अंदर ये एक रस्म पाई जाती है, ये एक समझ लो एक रिवाज के तौर पे है, मेला लगता है जो जब ये फसल काट लेते हैं तब, तो कहीं पे भी नहीं मिला। तो अब ये जंगलों के अंदर एक कबीला है जो यहाँ पे पता चला था कि यहाँ पे लग रहा है। अब हमने $200 पे किए हैं यहाँ पे आके वीडियो बनाने के लिए, देख लें यार। अब अगर फिर भी आप हमें सब्सक्राइब ना करें, सपोर्ट ना करें, तो फिर ये देख लेंगे इनके जिस्म पे जो है ना इस वक्त इन्होंने कोई ऑयल वगैरह लगाया हुआ है, क्योंकि ये भी बड़ी खुश हो के आई हैं और छड़ियाँ अपनी अपनी साथ लेके आई हैं, इन्होंने मार खानी है यार, तो बात है करने वाली इनकी, तो ये मार खाने के लिए आई बैठी हैं ताकि लोग दूसरे इनके कबीले वाले जाने के ये सख्त जान पड़ते हैं, खुशी से ये मार खाती हैं और इतने बड़े बड़े जख्म हो जाते हैं इनके जिस्म पे, आप देख नहीं सकते। ये लेंगी, ये डांस करने के लिए रेडी हो गई हैं। अब ये घुंघरू बड़े बड़े पहने हुए हैं इन औरतों ने, ये देखें ये जी इनका डांस शुरू हो गया है। ये हमर ट्राइब की औरतें हैं, चेक करें यार, मजा आ रहा होगा यकीनन, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है इनको देख के। हाँ जी, तो कैसा लग रहा है कमेंट जरूर कीजिएगा। हाँ जी, तो इस तरफ से ना लड़के आ रहे हैं, तो लड़कों को वेलकम किया जा रहा है और छड़ियां पकड़ाई जा रही हैं उनको, ये लड़कियां खुद छड़ियां पकड़ा रही हैं उनको कि मारा जाए इसे उन्हें, वो देखें देखें यार, ये मार भी खुद खाती हैं, ये देख ले बंदा क्या कहे इनको, चेक करें। बाकी जहाँ पे मार पड़ने लगेगी मैं, हम तो वहाँ पे वीडियो स्किप कर देंगे, क्योंकि कम्युनिटी का डर है हमें कि कम्युनिटी गाइडलाइन ना आ जाए चैनल पे। ये देख लें ये लड़के आए हैं, तो लड़कों की तरफ ये लड़कियां भाग के आ गई हैं छड़ियां लेके, अपनी अपनी छड़ियां, और ये उनके पीछे लगी हुई हैं कि उनको पकड़ के मारा जाए। देखें ज़्यादातर जो बच्चियां हैं वो देख लें एक दूसरे से छड़ियां छीन रही हैं मार खाने के लिए। ये देख लें ये जो शर्मी है, यहाँ पे लड़की को ये साबित करना है कि वो अपने घर वाले से सबसे ज्यादा प्यार करती है, वो सबसे ज्यादा मार खाएगी, सबसे ज्यादा जख्म खाएगी वो यहाँ पे, ये हाल है इनका। ये जंगलों वाले लोग हैं भाई, ये जंगली लोग हैं, इनके काम भी जंगलों वाले ही हैं। ये देख रहे हैं यार, ये लड़कियां मार खा रही हैं, अब लड़की छड़ी भी खुद लेती हैं और मार भाग भाग उनको छड़ी दी जा रही है लड़के को। चलो यार, ये क्या है, अगर छड़ी लगती है यार इनके जिस्म पे, आपको दिखाऊं कि वो ओफो ओफो, ये देखें ये देखें ओफो, देख लो यार ये किस कदर जाहिल किस्म के लोग, ये काम आप इनके कामों का अंदाज़ा यहाँ से लगा लें। ये गैर मुस्लिम तो हैं ही हैं,
पर ये जाहल किसका दे रहे हैं ये देख लें। ये औरतें मार इसलिए खा रही हैं कि ये साबित कर सकेंगे अपने घर वालों से ये बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, और जो मार रहा है वो ये साबित करना चाह रहा है कि मैं जवान हो गया हूँ, मेरी शादी की जाए। कमाल है यार, ये अफ्रीका है भाई जान। तो यहाँ आने से पहले सोच लीजिएगा, हमने पूरे अफ्रीका के जितनी भी ट्राइब्स हैं उसकी वीडियो अपने चैनल पर डाल दी हैं। यहाँ आने के बजाय आप हमारे चैनल का विज़िट करें और वहाँ पर जाके पूरी वीडियो देखें। देखिए अब वो लड़का जा रहा था तो उसके पीछे भाग के चली गई हैं कि नहीं अभी हमने मार खानी है, और ये हाल है इनका, डांस कर कर के मार खाती है यार ये। ये ले चेक करें, दो दो छड़ियाँ, तीन तीन छड़ियाँ लेके। तौबा है यार, तौबा है इन। ओहो, ये जो सेरेमनी हम आपको दिखा रहे हैं, ये आज से पहले हमसे पहले सिर्फ एक बंदा है जिसने ये बुल जंपिंग और ये चीज़ें दिखाई हैं आपको। तो हक बनता है हमारा, हम इतनी मुश्किल से यहाँ पे पहुँचे हैं, पैदल भी सफ़र किया है, जंगल के अंदर ख़तरनाक सफ़र था, तो आपका हक बनता है हमें सपोर्ट भी किया जाए और हमें सब्सक्राइब भी किया जाए। का था वो मार मार के थक गया है, इनकी छड़ियाँ आधी टूट चुकी हैं मगर ये नहीं थक रही, अब ये दोबारा ढूंढ रही हैं उस लड़के को, वो चला गया यहाँ से। ये हाल है जी यहाँ का, हमें बहुत शौक था, हम $200 पे करके यहाँ पे पहुँचे हैं पैदल सफ़र करके, और कुछ गाड़ी पे किया है कुछ पैदल किया है, $200 दिए हैं हमने ये चीज़ें देखने के लिए। यार अफसोस हो रहा है मुझे तो, ये देखें यहाँ पे हर बंदे के पास ये गन्ने मौजूद हैं, गन्ने मौजूद हैं ये देख लें। मैंने उसकी तरफ कैमरा घुमाया तो गुस्से से मुझे देखने लगा और उससे मुझे मना किया, मैंने जल्दी से दूसरी साइड पे कर लिया। भाई जान गन से डर भी लगता है, गोलियाँ भी हैं यहाँ पे, अगर ये मार भी दें तो भाई कोई नहीं इनका कुछ करने वाला, यहाँ पे कोई कानून नहीं है, अगर ये मार दें तो मार दें बस। इन ट्राइब की आपस में लड़ाई रहती है, इसलिए ये हर बंदे के पास एक 47 होगी, इस तरह की जदीद तरीन गन्ने मौजूद हैं इनके पास, और ये एक दूसरे को मारते भी हैं। की बात की जाए तो यहाँ पे कोई कानून नहीं है मेरे भाई, इन ट्राइब्स के अंदर जो भी बंदा आता है वो अपनी ज़िंदगी मौत का खुद ज़िम्मेदार है, यहाँ की हुकूमत उसके पीछे नहीं आती। अगर पुलिस वाले हैं भी तो आप खुद सोचते हैं, पुलिस वाले हमने जहाँ पे भी देखे हैं वो उनके पास छड़ियाँ थी और इनके पास बंदूकें हैं, बंदूक का मुकाबला छड़ी से तो नहीं किया जा सकता, तो इसलिए यहाँ पे कोई कानून नहीं है इन ट्राइब्स के अंदर, ना यहाँ पे फोर्स कोई आती है इथियोपिया की आपको बचाने या छुड़वाने, बस ये अल्लाह के आसरे पे चल रहे हैं। ये हैं सारे गैर मुस्लिम, इनका कोई दीन मज़हब नहीं है। ये देखें, आवाज इतनी की है कि मेरे खुद के कान दर्द करना शुरू हो गए। ये जो सेरेमनी हो रही है यहाँ पे, मैरिज सेरेमनी, तो ये जो लोग हैं ये लड़के वाले हैं, इनके लड़के की शादी होनी है जो यहाँ पे साबित करेगा पहले कि वो जवान हो गया बुल जंपिंग करके, वो भी आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे। और ये दूसरी तरफ ये जो है ये औरतें ये लड़की वालों की हैं, तो इन्होंने मार खाई है कि ये बहुत प्यार करने वाली हैं, ठीक है। तो दूसरी साइड पे वो लड़के बैठे हैं, वो सारे दोनों खानदान के लड़के जो मिलके बैठे हैं, जो हैं ये लड़के और लड़की के दोनों के, एक साइड पे लड़के के रिश्तेदार जो हैं चाचे ताए मामे, और दूसरी साइड पे जो है लड़के वालों के, लड़की वालों के एक साइड पे, दूसरी साइड पे लड़के वालों के, ये सीन है। हाँ जी, तो यहाँ पे मेन जो है वो लड़के की जो शादी जिसकी है, और लड़की दोनों आए हुए हैं, और बुल जंपिंग के बाद लड़के के साथ लड़की को जो इनका निकाह वगैरह सिस्टम होता है वो हो जाएगा, तो वो भी आपको दिखाएंगे।
This is jumper. ये जंप लगाएगा भाई जी. This is the best man. Argama. Here, these are his best man. You know, like the best man. The best man. These are the one who whips the ladies. जिन्होंने लड़कियों को मारा है वो जी बेस्ट मैन करार पाए हैं यहाँ पे. और ये जो शख्स है, ये जो सामने लड़का नजर आ रहा है, ये बुल जंपिंग करेगा, इसकी शादी है. और ये देख रहे हैं ये साथ अपने कोई ना कोई ड्रिंक वगैरह लेके आए हैं, वो पीने लगे हैं. देख ले इधर लड़कियां मार खाने के लिए अभी भी बेकरार हैं कि हमें कोई मारे आ गया. ये देखें इसको, ये जो लड़का है जिसने मारा है लड़कियों को, उसे शराब पिलाएंगे और साथ में उसके जो पेंटिंग करेंगे उसके जिस्म के ऊपर. ये अब रंग डालने के लिए इधर ये लगाया, इसको धोया जा रहा है, इसको भी शराब से धोया जा रहा है. और इधर कोई गीत गा रही है, और ये इधर कोई रस्म हो रही है इनकी दूल्हे की, वो पेंटिंग वगैरह करने के लिए कलर बना रहा है. ये लड़के के पेंट वगैरह लगाया जा रहा है. हाँ जी, तो कैसी लगी हमारी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा. और नए आने वाले दोस्तों से इल्तिमास है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, आप देख सके. तो अगली वीडियो जो हमारी होगी वो बुल सर्कलिंग की होगी, किस तरह ये लड़के बुल के ऊपर से जंप करके दूसरी साइड पे जाते हैं और कैसे इनकी शादी का बाकी सिस्टम है वो भी आपको दिखाएंगे. तो ये वीडियो कैसी कमेंट करके जरूर बताइएगा. देखिए औरतें अब बैठ गई हैं और इधर जो है दूल्हे की तैयारी हो रही है लड़कों की, जिन्होंने बुल जंपिंग करनी है और खासकर दूल्हे की भी. यहाँ पे समझ लें ब्यूटी पार्लर खोला हुआ है. बाकी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको सारा दिखाएंगे.